नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 1 और 2 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार क्या है मौसम का हाल और जानकारी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्सों में और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी स्थानों पर कुछ जगहों पर वर्षा होगी। इसके बाद गोरखपुर, बहराइच में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी स्थानों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तराई वाले जिलों में वर्षा की संभावना है, जिनमें आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इन सभी स्थानों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। वहीं बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, इन सभी जिलों में कई जगहों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के इन 31 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा रोहेलखंड के बरेली और शाहजहांपुर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावनाओं को लेकर मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी किया है। जारी अनुमान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा रोहेलखंड के बरेली, शाहजहांपुर में भी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। जिन जिलों में बारिश की उम्मीद है वो जिले हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज, बरेली, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, फरुखाबाद, हरदोई, रायबरेली, रामपुर, बुलंदशहर, हापुर और मैनपुरी में भी बारिश होने के आसार हैं। अगले कुछ दिनों तक के लिए मौसम का जो अनुमान विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में मौसम मिला जुला रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। यह सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। हालांकि बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, छिटपुट बारिश प्रदेश के कुछ इलाकों में ही संभव है। अगले कुछ दिनों बादलों का जमावड़ा यूं ही आसमान पर लगा रहेगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।